Maybe your heart is broken today because of the sickness that you're unable to bear. बीमारी जो आप सह नहीं सकते, उस बीमारी के द्वारा आपका हृदय आज टूटा हुआ होगा. Maybe because of the constant pains that come to you. वो निरंतर जो दर्द में आप रहते हैं, उसके कारण आपका मन टूट चुका होगा. Your heart may be broken because of failure to achieve anything. किसी भी बात को प्राप्त नहीं करने के द्वारा या बार बार असफल होने के द्वारा आपका मन टूटा होगा. Or because of loneliness. एकांत और अकेले में आप जीवन बिताते होंगे. He'll heal your broken heart. उस टूटे हुए हृदय को प्रभु यीशु मसीह देखते हैं. Today he will enable you to first feel the love of his kiss. हाँ, सबसे पहले यीशु चाहते हैं कि आप उसके चुंबन का अनुभव करें. Today, my friends, the Lord is our Father. मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर हमारा पिता है. And we are going to receive kisses from our Father. और आज हम अपने पिता से उन चुंबनों को हम लेने जा रहे हैं. We are going to receive the kisses of our Father. पिता हमें चूम रहा है. We are going to receive the kiss of God Himself. हम स्वयं परमेश्वर के उस चुम्बन को लेने जा रहे हैं. A proud father once put in a Facebook post. एक बहुत ही गर्व से एक पिता ने Facebook के ऊपर में एक पोस्ट डाला. I'm so happy that the President of the United States has kissed my little child. और वो लिखता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मेरे बेटे को चूमा और इसके लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ. And he proudly put that photo. और उस तस्वीर को उसने Facebook के ऊपर में पोस्ट किया. Imagine being kissed by God Himself. कल्पना करिए, स्वयं परमेश्वर आपको चूम रहे हैं. He has selected you today and brought you so that you would receive the love of His kiss. परमेश्वर पिता ने आपको चुनकर आज यहाँ पे लाया है कि आप उसके उस चुम्बन को प्राप्त करें. How wonderful it is. कितना अद्भुत है ये. Jesus told us a story in Luke 15:20. लुका 15 उसके वचन 20 में प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस घटना को बताया. And this story shows how a father reacts when his son or his daughter comes back to him from sin. और इस घटना में हम इस बात को पाते हैं कि एक पिता किस प्रकार की प्रतिक्रिया को दिखाता है, प्रदर्शित करता है जब उसका बेटा या बेटी उसके पास लौट कर आते हैं. How God's fatherly heart reacts to us. परमेश्वर का वो पितामय हृदय हमारे लिए कैसी प्रतिक्रिया दिखाता है. It says while he was still a long way off. लिखा है कि जब उसका पुत्र दूर ही था. His father saw him and was filled with compassion for him. उसके पिता ने उसको देखा और उस पर तरस खाया. He ran to his son, threw his arms around him. और अपने बेटे की ओर वो दौड़ पड़ा और उसको अपने गले से लगा लिया. And kissed him. और उसको चूमा. Jesus told this story to show us how the Father, Heavenly Father's heart is towards us. यीशु मसीह ने इस बात को हमको बताया कि कैसे स्वर्गीय प्रेमी पिता हमसे ऐसे ही प्यार करते हैं. When you, his son or his daughter, comes from a long way off. और जब आप उसके बेटे और बेटी होने के नाते वो दूर से उसके पास चले आते हैं. What does Jesus do? तब यीशु क्या करेगा? He is filled with compassion. वो आपके प्रति तरस से भर जाएगा. He comes running to us. वो आपकी ओर दौड़ते हुए आएगा. Throws his arm around us. वो अपने पाहों को आपके कंधों में डाल देगा. And he kisses us. वो आपको और मुझे चूमेगा. With all his love. अपने संपूर्ण प्रेम के साथ. Tell me a person in this world who will take you back and kiss you when you have done wrong to him. संसार में मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जब आप उसके प्रति उसके विरोध में कुछ करते हैं तो वो आपको चूमता हो. Yes, my young friend, you can rely upon this Jesus. हाँ, मेरे जवान मित्रों, आप प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो सकते हैं. At all times. अपने जीवन के तमाम समयों में. He is always available to you. उसके तमाम रास्ते और आशीषें आपके लिए उपलब्ध हैं. In Mark 10:16 in the Bible. मरकुस 10 और उसके 16 में हम पढ़ते हैं. As many children came running to him. जैसे बहुत से बालक बच्चे उसके पास में दौड़ कर आए. Jesus's heart was filled with joy. प्रभु यीशु मसीह का हृदय आनंद से भर गया. He took them in his arms. और यीशु ने उन बच्चों को अपनी बाहों में लिया. He kissed them and
blessed them with his hands. और उनको चूमा और अपने हाथों के द्वारा उनको आशीषित किया. Because he said that the kingdom of God will be inherited by little children like these. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज इन छोटे बच्चों के ही समान है. By those who have a heart like these little children. ऐसे लोग जिनका हृदय बच्चों के नाई है वो ही स्वर्ग के राज में प्रवेश पाएंगे. Who have no other agenda. जिनके पास में और कोई दूसरा ऐसा कार्य सूची नहीं है. Who have no worries of sin. जिनके पास में पाप की किसी प्रकार की चिंताएं भी नहीं है. But come running to Jesus. और वो सिर्फ यीशु के पास दौड़ आते हैं. That's what we need to do in our life at every moment. और हर घड़ी हमें अपने जीवन में यही तो करना है. To receive the kisses from the Father. कि पिता से उस चुम्बन को हम पाए. A prostitute woman came and cried in tears. एक वेश्या प्रभु यीशु के पास आई और रोई. She was pushed away by everybody. वो सबके द्वारा नकार दी गई थी. Saying we don't want to be related with her at all. और लोग कहते थे कि हम अपना किसी भी प्रकार का नाम या संबंध इसके साथ में नहीं जोड़ना चाहते. We don't want to hear her name or see her. हम तो इसको देखना भी नहीं चाहते, इसका नाम भी नहीं सुनना चाहते. She couldn't take it anymore. और इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई. And she came and fell at the feet of Jesus and cried and cried and cried. और वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर गिर गई और वो रोने लगी, रोने लगी और रोने लगी. Her tears dripped down his feet. और उसके आंसू प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बह गए. And she washed the feet of Jesus with her tears and wiping away with her hair. उस स्त्री ने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैर को धोया और अपने बालों से पोछा. Kissing the feet. और यीशु के पैरों को वो चूमने लगे. Asking, will you forgive me, Jesus? वो मांग रही थी कि क्या प्रभु यीशु आप मुझे क्षमा करेंगे? Can these sins go away from me? और आप अब उससे दूर मत जाइए. Jesus looked at her. यीशु ने उसकी ओर देखा. Not with a heart which condemns her like other men. दोष लगाने के भाव से या नफरत से प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर नहीं देखा जैसे दूसरे देख रहे थे. But with a kindness on his face. परंतु प्रभु यीशु मसीह के हृदय में वो नम्रता और वो प्रेम और वो तरस उसके प्रति था. And compassion in his heart. उसके हृदय में उसके प्रति तरस था. The father's love for her had not changed. और पिता का प्रेम उसके प्रति बदला नहीं था. Despite everybody else throwing her away. बजाय इसके कि सबने उस स्त्री को नकार दिया, भगा दिया. Everybody saying she's not worthy of redemption in her life. हर कोई इस बात को कहने लगे कि ये स्त्री का छुटकारा या छुड़ाओ नहीं हो सकता. She's cursed to be alone forever. वो तो शापित घोषित करके एकांत में फेंक दी जाए. There is no more redemption for her. उसके लिए कोई भी छुटकारा अब नहीं बचा. Jesus says. यीशु ने कहा. Daughter. बेटी. Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए. Go in peace. शांति से चली जा. What a love. कितना अद्भुत प्रेम. What a love. कितना अद्भुत प्रेम. An unchanging love. एक ऐसा प्रेम जो कभी नहीं बदलता. That is always there for us. हमेशा वो प्रेम हमारे लिए बरकरार है. He takes us, redeems us from our sins. उसने हमको लिया और हमें हमारे पापों से छुटकारा मुहैया कराया. Wipes us clean. हमें शुद्ध कर दिया उसने. Makes us a new person. और हमें उसने एक नया व्यक्ति बना दिया. Yes, Jesus opened up his arms like that father did. हाँ, प्रभु यीशु मसीह अपने बाहों को फैलाए हुए बिल्कुल ऐसा ही तो करते हैं. Opens his arms as you come running to. और जैसे आप प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़े चले आते हैं वो अपने बाहों को फैलाए हुए आपका इंतजार करता है. He carried a heavy cross upon him in this world. इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत भारी भरकम उस क्रूस को अपने कंधे में उठाया. All the while when they were beating him. और पूरे रास्ते भर जब वो यीशु मसीह को मार रहे थे. He wore a crown of thorns that was pushed upon his head. उसके सिर के ऊपर में कांटों का ताज को रख दिया गया. As blood oozed out. और लहू बिल्कुल बह निकला. He was nailed to a cross and made to stand up on that cross. और कलवरी के क्रूस के ऊपर में कीलों से वो जड़ दिया गया, वहां पे वो रहा. Pain and the agony he went through. और इतनी पीड़ा और यातनाओं से हमारा प्रभु यीशु मसीह गुजरा. He gave up his life. और जब उसने अपने जीवन को दे दिया. All so that your sin might die with him on that cross. इसलिए ताकि उस कलवरी के मृत्यु के द्वारा हमारे भी पाप उसके साथ में मर जाएं. Today he says, come to me. और वो आज कहता है कि and receive new life. और नया जीवन पाओ.
He's going to give you a new name. वो आपको एक नया नाम देगा. By placing His name upon you. उसका नाम आपके ऊपर में वो रखेगा. He's going to give you a new robe like the Father did. वो जैसे पिता ने अपने उड़ाऊ पुत्र को, बेटे को एक नया वस्त्र दिया, वैसे नया वस्त्र वो आपको देगा. A robe of pure white. एक ऐसा शुद्धता का, पवित्रता का वस्त्र. He's going to give you a new purpose in life. वो आपके जीवन में नए उद्देश्य को लेकर आएगा. To live for Him and to fulfill His plans. ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जिएं और उसके उद्देश्य को पूरा करें. He is going to give you a great stature. वो आपको डील डॉल में और समाज में उन्नति देगा. Yes, Jesus is kissing you and making you a new person right now, my friends. मेरे प्रिय मित्रों, इसी समय प्रभु यीशु मसीह आपको चूम रहे हैं और आपको एक नया व्यक्ति बना रहे हैं. Thank God for these kisses. धन्यवाद दीजिए पिता का इस चूमने के लिए. And be transformed. और आपको बदल देने के लिए उसका धन्यवाद दीजिए. The disciples of Jesus said in 1 Peter 5:14. पहला पत्रस 5 और उसके वचन 14 को यदि आप पढ़ें तो चेलों ने ये कहा. Greet one another with a kiss of love. और उस प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करो. Greet one another with a kiss of love. उस प्रेम के चुंबन के साथ में एक दूसरे का अभिवादन करो. Which love? कौन सा प्रेम? With the love of Jesus. यीशु मसीह का प्रेम के विषय में यहाँ पे कह रहा है. Don't go and kiss somebody and say, Sam Anna asked me to kiss them. ऐसा मत कहिए कि सैम अन्ना ने कहा है चूमने के लिए तो किसी को भी जाकर हमने चूम दिया. We are going to show the love of Jesus too, being filled with His love. हमको यीशु के प्रेम से भर कर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का प्रदर्शन करना है. When we meet, have a chance to meet with poor children. और जब कभी भी गरीब बच्चों के साथ में हमको मिलने का अवसर मिलता है. We give them a new dress to wear. हम पहनने के लिए उनको नए कपड़े देते हैं. We give them a new school kit. और school kit भी हम उनको देते हैं. All the books and the pens and pencils that they need. और book रहता है, कॉपी किताब, pen and pencil उसमें रहता है. When they look at it, they're so happy. और जब उस kit को वो देखते हैं, तो वो बहुत आनंदित होते. They show it around to everybody. सबको जाके वो दिखाते हैं. And they're so happy that someone cares enough to love them. और वो इस बात के लिए बहुत आनंदित रहते हैं इस बात को जानकर कि किसी ने उनकी परवाह की है. That someone is encouraging them. और कोई तो उनको उत्साहित कर रहा है. And we receive so much happiness and joy looking at their faces. और उनके चेहरों को देखकर हम बड़े आनंद होते हैं. We also pass on this joy of the kiss of Jesus by giving. और यीशु मसीह के इस चुम्बन का आनंद हम देने के द्वारा हम दूसरों तक पहुंचाते हैं. And tell them Jesus loves you. Don't worry. और उनको कहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, चिंता मत करिए. We pass on the kiss of Jesus. और यीशु के उस चुम्बन को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं. Yes, today He will enable you to first feel the love of His kiss. हाँ, सबसे पहले यीशु चाहते हैं कि आप उसके चुम्बन का अनुभव करें. He'll heal your broken heart by when as the world has broken it. जैसे संसार ने आपके हृदय को तोड़ दिया है, उस टूटे हुए हृदय को प्रभु यीशु मसीह देखते हैं. Maybe your heart is broken today because of the sickness that you're unable to bear. बीमारी जो आप सह नहीं सकते, उस बीमारी के द्वारा आपका हृदय आज टूटा हुआ होगा. Maybe because of the constant pains that come to you. वो निरंतर जो दर्द में आप रहते हैं, उसके कारण आपका मन टूट चुका होगा. Your heart may be broken because of failure to achieve anything. किसी भी बात को प्राप्त नहीं करने के द्वारा या बार बार असफल होने के द्वारा आपका मन टूटा होगा. Or because of loneliness. एकांत और अकेले में आप जीवन बिताते होंगे. Even we were praying to many people. और जब हम बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे लाइन से प्रार्थना कर रहे थे, There came a girl whom they said was so depressed. एक बहन, एक लड़की आई, वो कहती है वो बहुत निराश में थी. Her face was filled with sorrow. उसका उसके चेहरे में वो शिकन, उसके चेहरे में वो दुख झलक रहा था. But as I began to lay my hands upon her and pray, और जैसे मैंने अपने हाथ को उसके ऊपर में रखा और प्रार्थना किया, A sudden joy from God. परमेश्वर की ओर से एक अचानक आनंद आ पहुंचा. And a pure love from God. और परमेश्वर का वो शुद्ध प्रेम
माँ वहाँ पहुँचा, fell upon her, उसके ऊपर में वो प्रेम उतरा, and she was lost in this joy of Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के आनंद में वो बिल्कुल झूम, she couldn't control it, उसने अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा, in one moment she had forgotten about all that the world had done to break her, एक समय के लिए वो बिल्कुल तमाम दुष्कामों को या पीड़ा को जो संसार ने उसको दिया था भूल गई, and she felt the loving, warm embrace of her father. और पिता प्रभु के उस प्रेम का वो उसने आलंगन किया. And as I prayed for her, I also was unable to bear the love that Jesus had poured upon her. जैसे मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं भी उस प्रेम का बिल्कुल संभाल नहीं सका, उस प्रेम को के साथ जो पिता ने उस प्रेम जिस प्रेम से हमको प्रेम किया. We were lost in the love of Jesus. हम यीशु के प्रेम में खो गए. That is the might of the love of God. यही तो परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ है. You cannot bear it. आप उसको संभाल भी नहीं पाए. He loves you so much. वो आपसे इतना प्यार करता है. All your past brokenness will be gone. आपका अतीत, आपका टूटापन सब कुछ बीत जाएगा. As he gives you a brand new start. जैसे वो आपको एक नई शुरुआत देने जा रहा है. With honor. सम्मान के साथ में. All the past shame will be gone away. अतीत की शर्मिंदगी बिल्कुल जाती रहेगी. As you will go forth by the joy of the Lord as your strength. जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, प्रभु क्या वो आनंद आपका बल बन जाएगा. With this new love, और इस नए प्रेम के साथ में, you will even be able to love your enemies. आप अपने दुश्मनों से भी प्रेम कर पाएंगे. Such powerful love will fill you. ऐसा सामर्थी प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा. What the enemy's kisses are treacherous. और उसका जो विद्रोही का जो प्रेम होता है वो तो घिन से भरा होता है. Proverbs 27:6 says. नीति वचन अध्याय 26 कहता है. The kisses of an enemy are deceitful. एक विद्रोही या शत्रु का जो चूमना होता है वो तो धोखे से भरा होता है. The follower of Jesus called Judas. और यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जो चेला था जिसका नाम यहूदा था. Came to Jesus. वो यीशु मसीह के पास आया. He kissed him. उसने उसको चूमा. Calling him teacher. उसने उसको शिक्षक करके बुलाया, गुरु कहके बुलाया. But that kiss was a kiss of betrayal. वो चूमना तो धोखे का चूमना था. Jesus knew that Judas had kissed him to identify him to the soldiers who were ready to arrest him. प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पहचान लिया कि वो मुझको चूमकर उस सैनिकों के हाथ में सौंपने चाहता है. Imagine how that betrayal would have felt. कल्पना करिए वो धोखा दिया जाना कितना भयानक रहा होगा. After Jesus had handpicked him. और जब उस यीशु मसीह के हाथ को पकड़ लिया गया. To be with him all his life. और पूरे जीवन भर वो यीशु मसीह के साथ चला. And to taught him so many things. और प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को कई बातों को सिखाया भी होगा. Give him a purpose for his life. और उसके जीवन के लिए उद्देश्य भी ठहराया होगा. And made him experience the joy of his presence. और वो आनंदमय उसकी उपस्थिति का उसने अनुभव भी किया होगा. His dear friend had betrayed him. उसका प्रिय मित्र ने उसको धोखे से पकड़वा दिया. But परंतु in Matthew 26:50 मत्ती 26 और उसके वचन 55 में Jesus turned to him and said, यीशु मसीह ने उसकी ओर मुड़कर कहा, friend, मित्र, having known the betrayal, वो अपने धोखे देने वाले को जानता था. Jesus said, friend, यीशु ने कहा, मित्र, why have you come? क्यों तू आया? Why have you come with them? क्यों तू इस रीति से आया? My dear friend, मेरे प्रिय मित्रों, even in the face of betrayal, उस धोखे देने वाले के चेहरे में भी, the love of Jesus never changed. प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी भी बदला नहीं. That is the true, pure love of Jesus. यही तो प्रभु यीशु मसीह का वो शुद्ध प्रेम है. That is the love that is filling our hearts. यही शुद्ध प्रेम आज हमारे हृदयों में समा रहा है. You will say, I do not lack anything anymore. और यदि आप ऐसा भी कहते हैं कि मैं आगे से किसी चीज को पसंद नहीं करता. I have my father's love in me. परंतु तो भी आप कह सकते हैं कि मेरे पास में मेरे पिता का प्रेम है. The love that will never change or depart from me. ऐसा प्रेम जो कभी नहीं बदलेगा, जो मुझसे कभी भी छीना नहीं जाएगा. Yes, strengthen yourself in this father's love every day. हर दिन आप पिता के इस प्रेम के जरिए आप अपने आप को बल दीजिए. Ask him to kiss you every morning. हर दिन वो आपको चूमता है. And kiss you wherever you go. जहां कहीं भी आप जाते हैं वो आपको चूमता है. And you will lack nothing.
और तब आप कुछ भी बात की कमी Nothing can hurt that heart. कुछ भी ऐसे हृदय को नहीं ठेस Not even an enemy's kiss. आपके विद्रोहियों का चूमना भी आपको ठेस तब नहीं पहुंचाएगा Your heart will be the strongest in this world, filled with the love of God. यदि आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम समाया होगा, तो इस संसार में आपका हृदय सबसे मजबूत हृदय होगा. Even in the valley of the shadow of death itself. और मृत्यु की वादियों से भी यदि आप होके गुजरें, you will not fear. आप कभी भी डरेंगे नहीं. Because you will feel Him with you. क्योंकि वो आपको तरोताजा रखेगा You will feel the Father's love in you. आपके मनों में पिता का प्रेम उंडेला जाएगा It is wonderful to be kissed by the Father. ये तो अद्भुत है जब पिता हमको चूमता है. And finally, my friends. और अंत में मेरे मित्रों. God, when God kisses you. और जब पिता परमेश्वर आपको चूमते हैं. He blesses you to be a ruler in this world. परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देते हैं कि आप इस संसार में अधिकार बन के साथ में जीवन जिए. Gives you such authority in your heart. आपके हृदय में ऐसा अधिकार डाल दिया जाता है. Because he's a king. क्योंकि वो तो राजा है. He's the king of kings. वो तो राजाओं का राजा है. You'll be the king's son and daughter. और आप तो उस राजा के बेटे और बेटियां होंगे. 1 Samuel 10:1 says. पहला सैमुएल 10 और 1 में लिखा है. The prophet of God Samuel. और प्रभु का जो नबी था सैमुएल. Anointed Saul's head with oil and kissed him. और उसने साउल के सिर में वो अभिषेक का तेल डाला और उसको चूमा. He said, Saul, और उसने कहा, शाउल, has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? क्या परमेश्वर यहोवा ने तेरा अभिषेक इसलिए नहीं किया कि तू इस सारी पृथ्वी के ऊपर में इस राज्य में तू राज्य करे? The Lord's inheritance has come to you. परमेश्वर की विरासत आपको मिलेगी. And he is making a ruler over it. और आपको सारी बातों के ऊपर में वो अधिकारी ठहराएगा. He will give you a large portion of his inheritance to rule over. वो अपने विरासत में से आपको सबसे बड़ा भाग देगा ताकि आप उसके ऊपर में अधिकार जताएं. There's going to be no more hiding in fear, my friends. मेरे प्रिय मित्रों, अब डर से छुपने वाली कोई बात नहीं रहेगी. But you'll be strong in ruling with a परंतु आप अधिकार के साथ में राज्य करते रहेंगे. Over the inheritance God gives in your life. उन तमाम बातों के ऊपर में जिस बात को परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलेंगे. Yes, Isaac in the Bible called his son to him. इसाक ने अपने बेटे को बुलाया. And blessed him. और उसको आशीष दी. As per Genesis 27:26-29. और उत्पत्ति 27:26-29 को यदि आप पढ़ते हैं. Isaac said, "Come here, my son, and kiss me." इसाक अपने बेटे से कहता है, आ और मुझे चूम. Jacob went to him and kissed him. और याकूब उसके पास में जाता है और उसको चूमता है. Isaac caught the smell of his clothes and blessed Jacob saying. और इसाक अपने बेटे याकूब के वस्त्रों को सूंघकर उससे यूं आशीषें उच्चारित करता है. May God give you heaven's dew and earth's richness. परमेश्वर तुझे स्वर्ग की ओस और पृथ्वी की तमाम उत्तम बातों से आशीषित करे. An abundance of grain and new wine. अनाज और उस दाक की बहुतायत की आशीष तुझे दे. May nations serve you and the people bow down to you. और राष्ट्र तेरी सेवा करे और लोग तेरे सामने What a tremendous blessing. कितनी अद्भुत आशीष. Do you want this blessing? क्या आज आप इन आशीषों को चाहते हैं? You will receive heaven's dew. आप स्वर्ग की उस ओस की आशीष पाएंगे. And the earth's richness. और पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ बात की आशीष आपको मिलेगी. Abundant grain in your life. आपके जीवन में बहुतायत का अनाज रहेगा. A new wine. एक नया दाखरस. And the nations and the peoples will bow down to you. और राष्ट्र के लोग आएंगे और आपको दंडवत करेंगे. When? Go. When you have kissed the Father. जब आप पिता को चूमेंगे. And you have received His kiss of blessing. और आपने तो उसके चूमने के जरिए उसकी आशीषों को प्राप्त कर लिया. In the mornings when you kiss your Father. और जब सुबह उठकर आप अपने पिता को चूमे. And say, "Bless me, Lord." और बोले, प्रभु मुझे आशीष दीजिए. Oh, you will not be able to contain His blessing which He gives you. वो आपको ऐसी आशीष देगा जिस आशीष को आप समाहित भी नहीं कर पाए. You better be ready for a rich blessing to come upon you. तैयार हो जाइए परमेश्वर की सिद्ध सर्वोत्तम आशीषों को पाने के लिए. Kiss of the
father brings you tremendous blessing. पिता की वो चुभना की प्रक्रिया जो है आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीषों को लेकर आई. He is giving you your own inheritance. और पिता आपके अपने स्वयं की विरासत को आपको देंगे. And raising you to rule in that inheritance. और उस विरासत के दरमियान परमेश्वर ऐसा करेंगे कि आप उसमें अधिकारी के नाई राज्य करेंगे. You will rise up with authority in your career. आप अपने भविष्य में अपने कार्य क्षेत्रों में अधिकारी के नाई राज्य करेंगे. In your work. आपके कार्य क्षेत्र में. In your ministry. आपकी सेवकाई के क्षेत्र में. Filled with the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से भर जाइए. Yes. जी हाँ. Receive the kiss of the Father today, my friend. आज ही पिता के उस चुंबन को प्राप्त करिए मेरे मित्रों. These are the blessings He wants to give you when He kisses you today. आज जब परमेश्वर आपको चूमते हैं तो परमेश्वर इन तमाम आशीषों को आपको देना चाहते हैं. Shall we open our heart to receive them? क्या ये आइए अपने हृदय को खोलें और इन आशीषों को प्राप्त करें. God's Spirit is here, ready to fill each one who want to kiss the Lord. पिता की उपस्थिति यहाँ पे है उन तमाम लोगों को आशीष देने के लिए जो परमेश्वर पिता को चूमने के लिए तैयार हैं. You kiss Him by opening up your heart to Him. आज ही अपने हृदय को खोलकर आप पिता को चूमिए. And inviting Him with love. और पिता को प्रेम के साथ में अपने जीवन में स्वीकार करिए. Show Him your love, my friends. मेरे मित्रों अपने प्रेम को पिता के प्रति प्रकट करिए. Show Him your passion. अपने लगन को पिता के प्रति प्रकट करिए. Show Him your thirst. अपनी प्यास को पिता के प्रति प्रकट करिए. And tell Him, Jesus, I want you. और बोलिए प्रभु यीशु मुझे तेरी आवश्यकता है. I want to be kissed by my Father. मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता के द्वारा मुझे चूमा जाए. I don't want to be alone. मैं अकेला नहीं रहना चाहता. I want your love to always stay with me. मैं चाहता हूँ कि तेरा प्रेम हमेशा मुझ में बना रहे. Open up your heart, my young friend. मेरे जवान मित्रों अपने हृदय को खोलिए. And love Jesus. और प्रभु यीशु मसीह से प्यार करिए. Raise your love to Jesus. अपने प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप और बढ़ाते जाइए. Call upon Him. उसके नाम को पुकारिए. Come to my home, Lord. बोलिए प्रभु मेरे घर आइए. Come into my life, Lord. मेरे जीवन में आइए. Come into my heart, Lord. में आइए प्रभु. I want you, Lord. प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है. I don't want to step out of this place without you. बिना आपके मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता. I don't want this world to destroy me anymore. मैं नहीं चाहता अब आगे को ये संसार मुझे नष्ट करता चला जाए. I don't want this world to bring me pain anymore. मैं नहीं चाहता ये संसार मुझे अब आगे को और दुख दे. I don't want this world to trick me anymore. मैं नहीं चाहता ये संसार मुझे अपने चंट चलाकियों के द्वारा धोखा दे. It has only brought brokenness in my heart. बातें तो मेरे जीवन में सिर्फ टूटेपन को लेकर आई हैं. It has only brought destruction in my body. मेरे जीवन मेरे शरीर में मैंने सिर्फ धोखा और एक भ्रम को देखा है. It is only brought depression in my mind. मेरे जहन में सिर्फ निराशा आबसी है. Sorrow, sorrow, sorrow in my heart. दुख, दुख और दुख मेरे हृदय में समा गया है. It is enough, Lord. ये तो अब काफी हुआ प्रभु. I surrender to you. मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता. Oh my Father. Oh मेरे पिता. Stretch forth your arms. अपने बाहों को फैला दीजिए. And welcome your children. और अपने संतानों का स्वागत करिए. Run to your children, Lord. अपने संतानों के प्रति दौड़ के आइए प्रभु. Throw your arms around them. अपने बाहों को इनके चारों तरफ आप पसार दीजिए. Kiss them. इनको चूम लीजिए. And bless them with all your heart. और अपने संपूर्ण हृदय से इनको आशीषित करिए. Your Father is here, my friend. मेरे मित्रों आपका पिता यहाँ मौजूद है. Rise up wherever you are. कहीं भी आप हैं उठ खड़े होइए. Call upon Him. उसके नाम को पुकारिए. And the hand of blessing will come upon you. उसके आशीष भरा हाथ आपके ऊपर में आएगा. Let your love protect their hearts. आपका प्रेम इनके मनों को सुरक्षित करें. Protect their soul. की आत्मा को सुरक्षित करें. Holy Spirit. आत्मा. I hand them in your care, Lord. इनको मैं आपकी देखभाल में लेकर आता हूँ. They are your children. ये आपकी संतान हैं. We give you all the glory. पिता हम आपको सारी महिमा देते हैं. And we give you praise. और आपकी स्तुति करते हैं. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. God bless you.